रंजीत सुनारो तौर से राइट आर्म में बदल के डबली गैप और ये लंबा हिट मारा बैट की लाइन में आकर 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। व्हाट अ शॉट, फुल लेंथ गैप की एक कदम आगे निकले और सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी भी थोड़ा अगर गंगुलियार से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी सुबह के 10 बजे से कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों बजारागढ़ खेलने के लिए। फिलहाल आज हमारा वहाँ तीसरा मैच है, तो 2 मैच हमारे उस दिन लगातार हो गए थे। फर्स्ट मैच जीत के हम, दूसरा मैच हमारा खराब हो गया था, हार गए थे। फिलहाल आज तीसरा मैच है, देखो क्या होता है। फर्स्ट मैच है, तीसरा। तो आज फिलहाल सबसे ज़्यादा लेट मैं ही हो गया हूँ। मेरे को यहाँ 10 बज गया, कोई जाखनी पहुंच गया है जहाँ पुराने मकान मैंने अक्सर आपको पहले वीडियो में भी दिखाए थे, और कोई सूणा की गाड़ पहुंच गया है। तो फिलहाल मेरे साथ एक जना और है टुंटा का, सौरभ भाई, तो वो मिल ले जाखनी से, आगे फिर रुकेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है। फिलहाल आज अपनी कोशिश पूरी करनी है, जीत के आना है, फाइनल तक हमें पहुंचना है किसी भी हालत में। तो देखो क्या होता है, अब वहीं जाके पता चलेगा। फिलहाल तो अब सीधे मिलते हैं आपको जाखनी में पहुंच के, तब तक वीडियो में बने रहिए। और की गए तो दोस्तों फिलहाल अभी हम आ गए हैं, अभी तो सौरभ और मैं सबसे आगे पे, फिलहाल अभी हम ही पहुंचा और सब लोग सबसे मोटे लोग सबसे मोटे लोग आगे हैं और सबसे पतले लोग फिलहाल सब पीछे ही हैं। अभी वहाँ पे पानी वगैरह पी रहे थे तो हमने पानी वगैरह पी लिया है। अब फटाफट हम भी निकल रहे हैं आगे को, क्योंकि अभी फिलहाल चलना तो बहुत है। कतु घंटा से लबाट आधू क्या, एक घंटा फिलहाल पूरा और लगेगा यहाँ से, और रास्ता भी कहीं ख़राब है। परसों जिस रास्ते आए थे आज उस रास्ते नहीं आया, दूसरे रास्ते आए, ये शॉर्ट पड़ेगा करके, ये भी ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ा। फिलहाल पीछे पीछे सौरभ भाई लोग गाली भी कर रहे हैं उनको जो इस रास्ते हमको लाया। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं फील्ड में, और आते ही हमारी बैटिंग आ गई है। तो अभी सौरभ भाई और अंकु भाई खेलने के लिए गए हैं ओपनिंग में, और इस बार फ्रंट फुट पर तीन ओवर की समाप्ति पर 16 रन, 1 खिलाड़ी आउट। का दूसरा ओवर, इनका चौथा ओवर लेकर है। सुनारो शो से राइट आर्म ओवर लेके अच्छी बॉटी थर्ड वन की तरफ, और 1 रन ले लिया दोनों बैट्समैनों ने। राइट आर्म ओवर लेके अंपायर को क्रॉस करते हुए अगली गैस, और लेफ्ट लॉन्च करना चाहते थे गैस जा रहे थर्ड मैन की तरफ। यहाँ पर देखना होगा व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, एक व्हाइट एक बाइट, इन दो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 पे जा पहुंचा है। सारा तैयार है, राइट आर्म ओवर दबाए उनकी अग्नि गैप, फिर लंबा एक मारना चाहते थे जो की लाइन में, यहां पर हल्का मैच है, अगर डायरेक्ट थ्रो स्टंप पर लगता तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था यहां पर। तो ये बाइक रूम में एक अतिरिक्त रन, इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 पे जा पहुंचा है। 21-1 फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, बहुत प्यार है तुम्हारे तौर से। राइट आर्म ओवर दल कैप्टन की अग्नि गैप, लेग लॉन्च करना चाहते थे गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, दोनों बैट्समैन दौड़ चुके हैं 1 रन के लिए। व्हाइट का इशारा अंपायर का, एक व्हाइट एक बाई, स्कोर बढ़ता हुआ 23 पे जा पहुंचा है 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर दबी गैप, और अच्छी गैप ऊपर है धकेला, वहाँ फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी अगली गैप, और ये फिर लंबा हिट मारना चाहते थे फ्रंट ऊपर आए, बल्ले और गैप का कोई संपर्क नहीं हो पाया। बाउंड्री लाइन की तरफ, काफी शॉर्ट गैप थी, अंकुर ने भरपूर फायदा उठाया और गैप सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 पे जा पहुंचा है
एक खिलाड़ी के नुकसान पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट रेफरी का, यो जारी बाउंड्री है, अच्छी फील्डिंग वहां पर रंजीत के द्वारा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 पे जा पहुंचा है। 30 रन एक खिलाड़ी आउट, कितने ओवर इन प्रोग्रेस। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए अग्निकल, यो भी नीचे रहती हुई है, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई, हालांकि शॉर्ट गेंद थी लेकिन टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई, समझ नहीं पाए बैट्समैन, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो रन को नुकसान है। 30 रन आ रहे कुनारू की ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी अगली गेंद, वो भी शॉर्ट गेंद थी, आगे निकल चुके थे बैट्समैन, व्हाइट का इशारा अंपायर का, क्योंकि ये सिर के ऊपर से गेंद निकल रही थी, निश्चित ही व्हाइट बॉल थी। इसे कदर एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 पे जा पहुंचा है। 31 रन एक खिलाड़ी आउट। जीवन राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, और ये देखना होगा व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 पे जा पहुंचा है। 32 रन एक खिलाड़ी आउट। जीवन तैयार है तुम्हारी छोर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, और ये फिर आगे आकर खेलना चाहते थे, हालांकि इस गैप को व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। राइट आर्म बाउंड द विकेट, और ये लंबा हिट मारा फॉलो थ्रू में, खुद फील्ड किया गया गेंदबाज के द्वारा, तो राइट आर्म बाउंड द विकेट अगली गैप, और ये नीचे रहती हुई गैप, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई, और एक रन ले चुके हैं दोनों बैट्समैन। डेबी वन की अगली गैप, राइट आर्म बाउंड द विकेट, फिर शॉर्ट गैप थी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 पे जा अंकुर, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने में। इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 पे जा पहुंचा है एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब आया राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गैप थी पर धकेला गया, तो एक रन के भाग रहे दोनों बैट्समैन, एक रन मिल जाएगा सौरभ को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, नारायण आया अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। राइट आर्म राउंड विकेट से बाहर, काफी शॉर्ट गैप थी। इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 पे जा पहुंचा है। जब भी शॉर्ट गेंद मिल रही है अंकुर को बाहर भेजने में, कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा जब भी गेंद हाफ पीस टप्पा खिलाई है अंकुर ने, उसमें छक्का या चौका मारा है। नारायण राइट आर्म राउंड द विकेट, उनकी अगली गेंद, और एक रन के लिए भाग रहा दोनों बैट्समैन, लेग बाय का इशारा अंपायर का। इसे 71 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 राउंड द विकेट। नारायण की अगली गेंद, और ये लंबा हिट मारा गया जारी लेग साइड में, एक रन ले लिया दोनों बैट्समैन, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन हो गया है सोना का। एक खिलाड़ी गैस अंपायर को क्रॉस करते हुए मारा है, बहुत गोली है भाई, मजा आ गया थी शॉट में, बाहर रन फुट पर आया सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 पे जा पहुंचा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बॉल और नीचे नीचे है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई यहाँ पर मोहित के द्वारा, लेकिन बैकअप कर रहे थे यहाँ पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी अगली गेंद, और ये अच्छी गेंद थी, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया, दो रन को नुकसान नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 57 पे जा पहुंचा है एक खिलाड़ी के नुकसान का। रंजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, और ये शरीर पर टकराई, गए एक रन के लिए भाग रहे हैं यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग होती तो यहाँ खतरा हो सकता था। तो लेग बाय के रूप में ये अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 58 पे जा पहुंचा है। फील्डर वहाँ मौजूद है, और ये 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर।
मिसफील्ड हो रही है यहाँ पर आज नारायण के द्वारा, काफी मिसफील्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि काफी समय था उनके पास गेंद रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए। चार रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। इन चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 पे जा पहुंचा है। रणजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद फिर शॉर्ट जाती, व्हाइट बॉल का इशारा, गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, एक बाय एक व्हाइट। इन दो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 पे जा पहुंचा है। 64 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी रणजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लंबा हिट मारा है, गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड की गई रणजीत के द्वारा। कोई रन राइट आर्म ओवर द विकेट और लंबा हिट मारा, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, मिस फील्ड हुई थोड़ी सी, लेकिन एक ही रन मिलेगा इस एक रन के साथ। दर्पण आया पुनावित होते राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए, धकेला गेंद तो एक रन के लिए भाग रहे दोनों बैट्समैन, एक रन मिल जाएगा यहाँ पर। 166 पे पहुंचा है, 66 रन एक खिलाड़ी आउट। दरबान तैयार है तुम्हारी ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट, दरबान की अगली गेंद सौरभ को और नीचे रहती हुई गेंद और ये बाल बाल बचे यहाँ पर। तो वही होने चाहिए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर क्रॉस करते हुए और ये अच्छी गेंद और ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और ये लंबा हिट मारना चाहते थे बैट और बॉल का। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और अच्छा कैच किया गली के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 पे जा पहुंचा है। रन रेट काफी अच्छा है, 8 से ऊपर का है। राइट आर्म ओवर द विकेट, रणजीत की अगली गेंद और ये अच्छी गेंद, लेकिन थर्ड रन के द्वारा फील्ड किया गया। देखना होगा व्हाइट गेंद का इशारा अंपायर का, इस एक व्हाइट के साथ, एक बाय एक व्हाइट। इन दो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 पे जा पहुंचा है। रणजीत सुनारू तौर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और ये लंबा हिट मारा, गेंद की लाइन में आकर 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। व्हाट अ शॉट, फुल लेंथ गेंद थी, एक कदम आगे निकले और सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 पे जा पहुंचा है। काफी देर से कोशिश कर रहे थे सौरव, रणजीत राय का ओवर द विकेट, अगली गेंद और अच्छी गेंद की तरफ तक रहा है यहाँ पर और कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा जवाब दिया रणजीत ने यहाँ पर बल्लेबाज को, इसे पहली गेंद में छक्का मारा था लेकिन इस गैप पर समझ नहीं पाए गैप को। रणजीत तैयार है तुम्हारे शोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी अगली गेंद और शॉर्ट गेंद की गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन। अब रणजीत का सामना करेंगे अंकुर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और ये हल्की गेंद कराई थी, एक रन के लिए भागना चाहते थे यहाँ पर, खतरा हो सकता था लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं। ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए रणजीत, अगली गेंद और एक चक्का खाने के बाद उठी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। रणजीत तैयार है तुम्हारे तौर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। अंतिम ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी अगली गेंद और ये कैच बैट हो गया यहाँ पर, फिर जीवन दान मिल गया। हालांकि 4 रन तो रोके लेकिन कैच भी हो सकता था। आज थोड़ी सी फील्डिंग यहाँ पर, जबकि समकोला के खिलाड़ी भी अच्छी फील्डिंग करते हैं। मोहित तैयार है तुम्हारी ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 पे जा पहुंचा है, 81 रन एक खिलाड़ी आउट। काफी अच्छी साझेदारी दोनों ही बैट्समैनों के बीच में दूसरे विकेट के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, मोहित की अगली गेंद, फुल टॉस मैच जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ और ये 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। व्हाट अ शॉट,
It was a grounded shot. लेकिन फील्डर जब गेंद को पकड़ना चाहते थे उनके सिर के ऊपर से निकली, चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर। इन चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन पे जा पहुंचा है। मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद और ये लंबा हिट मारा गया जा रही बाउंड्री लाइन के पीछे, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 पे जा पहुंचा है। मोहित का सामना करेंगे अंकुर, काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट और अच्छी गेंद टकराई पैड पर, नो डाउट का इशारा अंपायर का। इसे लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 87 पे जा पहुंचा है। 87 रन, एक खिलाड़ी आउट। मोहित तैयार है तुम्हारी छोर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए अगली गेंद और ये अच्छी शॉट और फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। मोहित राइट आर्म ओवर द विकेट और एक नीचे रहती हुई गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, एक रन के लिए भाग रहा बैट्समैन और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। अच्छी थ्रो आए और लंबा हिट मारा है बैट की लाइन में, आए गए जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, अभी भी फील्डर के द्वारा फील्ड नहीं किया गया और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 89 पे जा पहुंचा है। रंजीत काफी सालों का अनुभव, पूरा अपना अनुभव यहां पर दिखाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट अगली गेंद और ये शॉट गैप थी, कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पर, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 पे जा पहुंचा है। 90 रन, एक खिलाड़ी आउट। रंजीत तैयार है तुम्हारी छोर से। राइट आर्म राउंड द विकेट अगली गेंद और ये लंबा हिट मारा गया जा रही बाउंड्री लाइन के तरफ, फील्डर मौजूद है पीछे, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91 पे जा पहुंचा है। 91 रन, एक खिलाड़ी आउट। 11th ओवर इन प्रोग्रेस। रंजीत राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद और भरपूर फायदा उठाया, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। व्हाट ए शॉट। ओके राइट आर्म राउंड द विकेट अगली गेंद और ये बैटिंग में खेलना चाहते थे, एक रन के लिए भाग रहे दोनों बैट्समैन और दो रन भाग चुके हैं, देखना होगा अंपायर का इशारा लेग बाय का। इन दो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन, एक खिलाड़ी आउट। काफी अच्छी पोजीशन में इस समय सोना की टीम। रंजीत तैयार है तुम्हारी तौर से। राइट आर्म राउंड द विकेट, रंजीत की अगली गेंद और फिर यहाँ पर एक रन के लिए भाग चुके हैं दोनों बैट्समैन, लेग बाय के रूप में रन और 100 रन पूरे हो गए हैं सोना के। ओवर द विकेट अगली बॉल और ये लंबा हिट मारा है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, काफी पीछे खड़े थे। हालांकि रंजीत दौड़कर कैच लेना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन, एक खिलाड़ी आउट। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर बैट्समैन, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस 71 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 102 पे जा पहुंचा है। हालांकि सोना की टीम 102 रन बना चुकी है लेकिन 11 ओवर समाप्ति भी हो चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट और अच्छी गेंदबाजी, नाइस बॉलिंग बाय पंकज। पंकज से आ रहे तुम्हारी छोर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, पंकज की अगली गेंद और लंबा हिट मारना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पाया, काफी निराश है यहाँ पर सौरव। इस गेंद से, इस गेंद में रन अर्जित कर सकते थे अपनी टीम के लिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद और ये लेग ब्रांच करना चाहते थे, थर्ड मैन के द्वारा यहाँ पर फील्ड किया गया गेंद को, व्हाइट बॉल का इशारा, एक बाय एक व्हाइट। इन दो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पंकज के द्वारा। पंकज तैयार है तुम्हारे तौर से।
राइट आर्म ओवर द विकेट संकट की अगली बैट और लंबा एक मारा गया जारी बाउंड्री लाइन की तरफ फील्डर वहां मौजूद है एक रन मिलेगा अच्छी फील्डिंग वहां पर एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 पे जा पहुंचा है पंकज तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट संकट की अगली बैट और लगातार दो जारी पहली स्लिप के क्षेत्र में से वहां मौजूद है फील्डर एक रन मिलेगा काफी कोशिश कर रहे हैं सौरभ कि फील्डरों के बीच में जो गैप है वहां से गैप को निकाला जाए लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है पंकज अच्छी गेंदबाजी से ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट पंकज की अगली गैप और ये छोटा गैप ही यहाँ पर पैच पटक रहा है एक रन के लिए भाग रहे दोनों बैट्समैन और एक ही रन मिलेगा लेग बाय के रूप में इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 107 पे जा पहुंचा है धन्यवाद मोहन सिंह जी और अंकुर के लिए श्रीहित बोल्ड हुए थे नो बॉल पर राइट आर्म ओवर द विकेट उठा दिया है लेग्रॉन्स किया उसको बाउंडिंग से बॉल देने छह रनों के लिए दावालाल बंदूक छक्का अंकुर के बैट से बेहतरीन छक्का यहां पर अंकुर के बैट से इसी छह रन के साथ स्कोर पहुंचा 114 एक विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी दोनों बैट्समैनों के बीच चले फिर से दर्पण कुनारू जोड़े सामने उनके अंकुर उपटती हुई गेंद इस बार फील्ड में दिशा पर को बॉल गई एक रन के लिए दौड़े दोनों बैट्समैन एक रन आसानी के साथ पूरा ओवर वाइड का सर अंपायर का एक और अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर इसी दो रनों के साथ स्कोर पहुंचा 116 रन एक विकेट के नुकसान पर जबकि इनिंग का 13वां ओवर जारी है दर्पण चले फिर से सौरभ के लिए और जिन्होंने एक सफलता अर्जित की अपने खाते में और स्लिप में डायरेक्ट फील्डर के हाथ में कैच हमारे यहाँ सौरभ ने और अपना विकेट पतन करके पवेलियन वापिस ये दूसरा झटका लगा 100 रेखा के बाहर बॉल को भेजा था और इस बार ऑफ साइड को धकेला उसको एक रन के लिए दौड़े दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ एक रन पूरा 121 रन दो विकेट के नुकसान पर इनिंग का 13वां ओवर जारी है पहले बल्लेबाजी करते हुए सुना के बल्लेबाज काफी अच्छा रन स्कोर बनाते हुए चले दर्पण अंकुर के लिए मात्र एक रन पीछे अपने अर्धशतक से और ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति दो विकेट के नुकसान पर 121 रन के लिए और दौड़ जाने यार अभी पट्टी के पंकज जी ये लास्ट ओवर कम कर दीजिए आ जाता भी सुबह गए चढ़ के खेलना यार दूसरा ओवर लेकर अपने खाते का पंकज रुकने है यार इन्हें लेटा पर आया सुरेश और एक रन बाली ने पूरा किया एक ही रन मिलेगा वहां फील्डर मौजूद जम रहा हमारी इंजी इसी एक रन के साथ स्कोर 522 रन रोक पाते हैं और ये डबल दौड़ के पास आ रही खिलाड़ी से तीसरा बॉल बढ़िया रुक ये हिट मार भाई सेव रहा है यार तो सका पूरा 53 रन पर खेल रहे हैं अंकुर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उत्तर बल्लेबाज है अंकुर और काफी तेज रफ्तार से अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 53 रन से नीचे स्कोर पर खेल रहे हैं अंकुर और टीम का स्कोर बताया 136 रन अंकुर जिनकी निगाहें जम चुकी है अब गेंद अब फुटबॉल की तरह दिख रही है इनको तो हर गेंद पर बाउंड्री दिखाना चाहते हैं चले फिर से पंकज फिर से हिट करना चाहते हैं रन लेना चाहते तो बाजी लेकिन मना किया अंकुर ने कोई रन को नुकसान नहीं काफी तेज विकेट कीपर रणजीत आगे बढ़िए थर्ड में दिशा पर और चार रन बढ़िया बढ़िया पार के रूप में मिलेगा और इसी के साथ ओवर ये बाय फोर चार रन उपहार के रूप में मिला सुनो को इसी चार के साथ 134 हो गए 134 रन अंदर जाओ अंदर अंदर
अरे मैल मैल ही खेल यार, पांच छह स्टंप में मजा आ रहा है। दो गेंदें डाली अभी तक नारायण ने और दोनों डॉट, अभी अच्छी गेंदबाजी नारायण की तरफ से। मल्साइटी जो उतारे गिना लास्ट गोल जो उद्घाटक गेंदबाज हैं नारायण। एक रन के लिए धकेला बाली ने, जिसके एक रन के साथ स्कोर पहुंचे 135 रन, दो विकेट के नुकसान पर। नारायण यादव अंकुर पहली बार ओवर में सामना करेंगे। नारायण का आगे बढ़ के हिट करना चाहते थे, डाउन स्टाइल से दौड़े बाली, लेकिन सुरक्षित वापिस पहुंचे। लास्ट ओवर थे, चार गेंदे हो चुकी है, मात्र दो गेंदे शेष। अब नहीं मिस होने दो बॉल, 135 बॉल काफी उसी ही गेंद इस बार 140 तो बढ़ गया यार। अब आखिरी गेंद इसलिए कि डालेंगे नारायण, अभी काफी अच्छा ओवर डालते हुए नारायण, बेहतरीन गेंदबाजी नारायण की तरफ से देखने को मिल रही है। और यह बैट इसी के बाद आती है, बैटमैन दिशा पर बॉल गई है, एक रन के लिए दौड़े दोनों बैट्समैन और व्हाइट का शरण पैर का लास्ट बॉल गेंद व्हाइट डाल दी, नहीं तो काफी अच्छा ओवर डाला था नारायण ने और दो रन मिले। हाँ, किसी दो रन के साथ 135 डालेंगे नारायण, वैसा पक्की हुई गेंद सर के ऊपर से गई, एक रन के लिए दौड़े, एक रन मिल गया यहाँ पर, इसी एक रन के साथ 129 15 ओवर की। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैच में से हम घर में पहुंच गए हैं। फिलहाल आज हमारा प्री क्वार्टर मैच था, तो आज हम बाहर हो गए हैं, हार गए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, अपनी मेहनत तो हमने बहुत की थी उसमें, पर मैच पलटने में कुछ टाइम नहीं लगता है, तो वैसा ही हमारे साथ भी हुआ था। मैच पलटने में हमारा अभी कुछ टाइम नहीं लगा, थोड़ी सी मिसफील्डिंग ज़रूर हुई थी हमारे कहने, तो अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब करते हैं फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।